सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बाहुबली मुख्तार अंसारी को बांदा लाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रयागराज जोन के डीआईजी पीएन पांडे ने बांदा के मंडल कारागार का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। डीआईजी पीएन पांडे ने बताया कि शासन की तरफ से जो भी निर्देश दिए जाएंगे उसका पालन होगा। मुख्तार अंसारी को किस बैरक में रखा जाएगा इस सवाल पर डीआईजी ने कहा कि सुरक्षा कारणों से इसकी जानकारी नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सभी कैदियों के साथ हो रहा है, वहीं मुख्तार अंसारी के साथ भी होगा। आपको याद दिला दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब पंजाब की रोपड़ जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की यूपी में वापसी तय हो चुकी है। मुख्तार अंसारी को यूपी लाने के लिए पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। उम्मीद है कि इसी हफ्ते किसी भी दिन मुख्तार को यूपी लाया जा सकता है। दरअसल मुख्तार अंसारी के खिलाफ कई गंभीर मुकदमे कोर्ट में लंबित हैं, जिनकी त्वरित सुनवाई के लिए उत्तर प्रदेश सरकार उसे पंजाब से यूपी लाना चाहती थी, ताकि लंबित मुकदमों में उसकी पेशी कराकर जल्द से जल्द उनका निपटारा हो सके। लेकिन पंजाब सरकार लगातार उसकी सेहत का हवाला देकर इनकार कर रही थी। इसके बाद यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली, जहां से मुख्तार अंसारी को यूपी भेजने का आदेश दे दिया गया। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.